ओ भगोड़ी की बेटी, ओए किधर है? यहाँ माँ किचन में। आ सुन, आज शाम तक मुझे शिवा का कमरा बिल्कुल साफ और खाली चाहिए। अब वहाँ शिवा अकेला रहेगा, आग से रहेगा। माँ आपको नहीं लगता कि रावी शिवा की जिंदगी से कभी नहीं जाएगी? बचपन से लेकर आज तक दोनों के बीच में भयंकर झगड़े हुए, फिर भी दोनों ने एक दूसरे की तरफ अपना अपना रास्ता ढूंढ ही लिया। अब मैं उनके रास्ते का रोड़ा बनूंगी। बहुत परेशान किया है मेरे शिवा को, उसे जेल भिजवाया, उसके कांड की वजह से मेरा बच्चा नहीं रहा। आज पुलिस स्टेशन जाके मैं तीनों के खिलाफ कंप्लेन लिखा देती हूँ। अनीता, रावी और प्रफुल्ला तीनों एक साथ है ना, साथ में ही जेल जाएंगे, सारा टंटाई खत्म। माँ पर आपने रावी को एक हफ्ता दिया था ना अपनी बेगुनाही साबित करने का, वो तुम सब के लिए, ताकि वंस एंड फॉर ऑल तुम देख सको उसकी सच्चाई। बाकी मुझे उस पर भरोसा नहीं, घड़ी घड़ी करती रहती है कुछ ना कुछ। उस समय बैग को भरा दिखाने के लिए जो कुछ भी मेरे हाथ लगा मैंने बैग में डाल दिया, लेकिन मैं अलमारी में ये सब कैसे भरूं कपड़ों की जगह? इस घर में रहने के इरादे से आई होती तो कपड़े लेके आई होती ना, लेकिन मैं तो इस घर में आई हूँ इसलिए ताकि मैं मासी से सच उगलवा सकूं और अपने शिवा के पास वापस जा सकूं। रावी, रावी, हे रावी। अरे भाई तू यहाँ है, तू क्या है ने कि तू घर वापस आ गई है ना मेरे पास? ऐसे ना मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। एक काम करना है, थोड़ा कुछ बोल के बता। मासी मैं तो घर वापस आ गई हूँ। बस 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 बस, तू ही है, तू ही है। अरे ये क्या है, तूने अभी तक कपड़े निकाल के लगाए नहीं है? कोई वांदो नहीं है, मैं हूँ ना, मैं करती हूँ। कैसे मैं पहले तेरे कपड़े से धोती थी, सुखाती थी और ऐसे इस्त्री करके ऐसे लाइन से लगाती थी ना, चल मैं करके देती हूँ। हाँ चल। अब मामासी ये काम मैं कर लूंगी, आपको जो काम सौंपा है वो कर लीजिए ना, लेट हो जाएगा, नहीं तो पार्टी की तैयारी कर लीजिए। अरे भाई अभी क्या पार्टी की तैयारी करने की? अभी देख सुमन, मैं इनको मैं फोन कर दूंगी, पर तुझे क्या लगता है कि पंड्या परिवार वाले सारे आएंगे हमारे घर पार्टी के लिए? आप कॉल तो करो, अगर नहीं आएंगे तो मैं अपने तरीके से बुला लूंगी, लेकिन आप करो तो सही एक कॉल। सर। अरे भाई, अरे ये क्या है? अरे आसू छे बदू, अभी तो मैं इतना ये कमरा ऐसे चकाचक साफ करके गई थी, अभी ये पेपर किधर से है? अब मासी ये पेपर्स ना, वो बैग में जो मैंने कपड़े रखे हैं ना, इस्त्री करके रखे हैं तो खराब ना हो जाए इसलिए पेपर रैप किया था। अब आप जाओ ना, सुमन काकी को फोन करो, ये सब मैं साफ कर लूंगी। रुक, मैं अभी करती हूँ। एक बात बोलूं आपसे? ना कहूंगी तो तेरे होंठ सिल देगी तू? नहीं ना बोलेगी ना, तो बोल। अगर आप मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करती हो ना माँ, तो प्लीज ये पुलिस स्टेशन के टंटे छोड़ दो, थक गई हूँ माँ मैं। मुझे नहीं पता कि ये दूसरों के लिए कितना टॉर्चर होगा, पर मैं उस दुख से दोबारा नहीं गुजरना चाहती माँ, जिस दुख से एक बार गुजर चुकी हूँ। सोचू ना माँ, उन सब के साथ मुझे भी तो कटघरे में खड़ा किया जाएगा ना, उस बच्चे के बारे में सवाल किए जाएंगे जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, नहीं हो पाएगा मुझसे माँ। तू क्या चाहती है? चार चमगादड़े हैं, इतना हमारा बुरा करने के बाद फ्री हवा में उड़ते रहे हैं, उन्हें सजा भी ना मिले? सजा मिलेगी ना माँ उन्हें, सोमनाथ देगा सजा उन्हें। सोमनाथ कब देगा वो? लो कागड़ी की बात की, आ गया फोन उसका। बोल प्रफुल्ला। सुमन बहन, जय सोमनाथ। सुमन बहन अभी है ना, अपने कान के पर्दे साफ करके मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी बेटी रावी के अपने घर आने की खुशी में ना मैंने शाम को एकदम मस्त वाली पार्टी रखी है भाई।
इतने दिन आपके घर रह के मेरी बेटी सही सलामत आ गई है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। खबर से ना तो क्या है ना, आपकी पूरी फैमिली के साथ आना। कान के मेरी पार्टी का जो स्टार गेस्ट है वो तो पंड्या परिवार होगा ना भाई, है? तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग शाम को और साथ में मनाते ब्रेकअप पार्टी। क्या वाह प्रफुल्ला, है क्या मस्त आइडिया है तेरा। जरूर आएंगे हम सब, है हम भी बहुत खुश है ना, है तो पार्टी तो होनी चाहिए। पर वो क्या है मेरे बेटों को तो तू जानती है ना, तुझे खुद न्योता देना पड़ेगा उन्हें, फिर आएंगे वो खुशी खुशी आएंगे। ओ भाई सुमन बहन, अब इसमें क्या बड़ी बात है। आपका पंड्या स्टोर कौन से वो समुद्र के पार है जो मैं नहीं जा सकती हूँ। अरे भाई मैं खुद जाऊंगी और अपने हाथ से निमंत्रण दे के आऊंगी, है बराबर। चलो आओ जा, जय सोमनाथ। दुकान में स्टॉक था नहीं तो स्टॉक की टेंशन, अब स्टॉक आ गया तो उसको संभालने की टेंशन। जैसे दिखा वैसे ठूस दिया, ढंग से रखेगा कौन, बस गल्ले पे बैठने आता है दुकान पे। जिंदगी तो है ही नहीं ना मेरी, कोलू की बैल की तरह पूरे दिन दुकान पे लगे रहो बस। खुद को तो काम करना आता है नहीं, एक बार ढंग से करेगा तो 10 बार मुझे नहीं करना पड़ेगा ना। गधेड़ा, तू कहीं का गुस्सा कहीं और मत निकाल शिवा। अगर तुझे काम नहीं करना है ना तो मत कर, हम कर लेंगे 10 बार। जब मैंने सामान जमा दिया था, तो तुझे फैलाने की क्या जरूरत थी। अब खेल रहा है ना तू उसके साथ, तो इल्जाम मेरे ऊपर क्यों लगा रहा है। बोले तू भी बोले, बोल के सिर्फ मुझे गुस्सा आता है, मैं कुछ काम नहीं करता, सब काम तू और कौन भी करते हैं। पड़ा मैंने तुझे कुछ बोला तू खुद के ऊपर इल्जाम लगा रहा है ना। मुझे तो बिचारी रावी के ऊपर तरस आता है, उस तुझे से गधेड़े के चक्कर में। सही कहती हूँ तुझे बंदर। आई बड़ी मेरे जले पे नमक छिड़कने, हैं? मैं तुझे कुछ करके दिखाऊंगी कि जलाना क्या होता है, तू देख लेना। मैं बोली थी ना सोमनाथ सजा देंगे, दे दिया सोमनाथ ने डायरेक्ट मेरे भेजे में एक आइडिया, तो देखा। हाँ पर मम्मी ने कहा क्या, चलचा रख रही है ब्रेकअप पार्टी। हाँ? रावी घर आई ना वापस उसकी खुशी में। हाँ खुशी से तो ऐसे फूल गई है, लगता है रॉकेट की तरह फूट जाएगी। और आप जाओगे उस पार्टी में। मैं? हम सब जाएंगे, सब जाएंगे। और तू देखना देखना वहां मैं क्या करूं, बहुत मजा आएगा। मेरे मेरे चार रत्नों को बता दूं ना कि मामी उनकी दुकान का रास्ता पकड़ चुकी है। क्या हुआ, तुझे बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। तो एक खुशखबरी सुन, अब ना मुझे घर में कोई बंदर बुलाएगा ही नहीं क्योंकि वो जा चुकी है। अच्छी नहीं लगी खुशखबरी, हाँ ऐसे क्यों खड़ा है, जाना दुकान के बाहर, ढोल बजा, नाच गा, पटाखे फोड़, शकल देख रहा है खड़े होके। रवि घर से चली गई और तूने मुझे बताया भी नहीं। तूने पक्का ना उसे घर में अकेला देखा होगा और उसे घर से जाने को बुला होगा, तू ना शिवा कभी सुधर ही नहीं सकता। ए फालतू की बात मत कर, दिमाग ना वैसे ठनका हुआ दूंगा एक कान के नीचे। तेरा दिमाग तो हमेशा ठनका ही रहता है, उसके अलावा कुछ आता तुझे, गुस्सा करना मारपीट करना। देख शिवा इस बार रवि सही और तू गलत। देख देव उल्टी सीधी बात मत कर, आज कुछ गलत हो जाएगा। गलत मेरे साथ नहीं होगा शिवा, गलत तो रावी के साथ हुआ है, उस सीधी साधी लड़की को तुझ जैसा भेल मिल गया। तुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, अबे इतना ही बुरा लग रहा है तो मंडप पे रिश्तेदार भाभी के साथ क्यों फेरे लिए, उसके साथ लेता ना। अरे मान क्यों लेता, इस पूरे फसाद की जड़ तू है, सिर्फ तू। शिवा, देव क्या कर रहे हो तुम दोनों, लड़े जा रहे हो, पागल हो गए हो क्या, हाल बना रखे दुकान का। गौतम भाई अचार मिलेगा। अच्छा मैं अभी देता हूँ। ₹200। धन्यवाद। धन्यवाद। और तुम दोनों, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों किसने लड़ रहे हो, लेकिन अपना दिमाग ना ठंडा कर लो क्योंकि माँ का फोन आया था।
और वो बोल रही थी कि हमें मामी के घर जाना है शाम को। पता नहीं रिश्तेदार भाभी को पूरी दुनिया में एक ही कैफे मिला था, और ये भी पता नहीं क्यों एक भटकती आत्मा की तरह मेरी लव स्टोरी में से रोमांस चूसने में लगी हुई है। क्या कहा तुमने? रिश्तेदार को भटकती आत्मा बुलाया तुमने? ऐसा नहीं है कीर्ति, मैं सभी भाभियों की कॉम के बारे में बात कर रहा हूँ। वो सारी की सारी अपनी देवर की जो लव स्टोरी होती है ना, उसका भजिया बनाने में लगी होती है, भजिया। और मुझको तो ऐसा लग रहा है कि आजकल किसी के अच्छे कर्म मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं। क्या बोल रहे हो क्रिश? क्योंकि हम जितनी बार ना मेरी भाभी से पकड़ते पकड़ते बचे हैं ना, उतने तो मैंने अच्छे कर्म किए ही नहीं। और शुक्र मान उन्होंने हमें नहीं पकड़ा, जो तो इतने जूते पड़ते, मुझे इतने जूते पड़ते कि तू मेरे लिए गाना गाती, कोई जूते से ना मारे मेरे दीवाने को। कीर्ति, ऐसे मैंने कुछ डिसाइड किया है। क्या? सबको हमारे बारे में बता देने का? नहीं 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 प्लीज क्रिश, रिश्ता दी तो मुझे मार ही देंगी, और तुम्हारी माँ। क्रिश मुझे बहुत डर लगता है, प्लीज प्लीज किसी को मत बताओ प्लीज। हट पगली, आज के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि हम किसी कैफे या रेस्टोरेंट में नहीं मिलेंगे, हम मेरे घर की पीछे वाली गली में मिलेंगे। हाँ गुड गुड गुड, ताकि जब हम पकड़े जाएं तो तुम्हारे घर वाले और मोहल्ले वाले साथ में हमें मारे, है ना? वेरी गुड, गुड जॉब। तो क्या करूँ कीर्ति, मैं ये गली में नहीं जाना तो जंगल में लेके जाऊँ? अगर तुझे जंगल भी अच्छा नहीं लगता समुद्र में लेके जाऊँ? मैं बोल रहा हूँ वहाँ भी मेरी भाभियाँ पहुँच जाएंगी और कहेंगी घर में नमक खत्म हो गया था, हमने सोचा कि समुद्र में आके नमक ले लेंगी। क्रिश ऐसे तो हमारी लव स्टोरी कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। वही तो। क्यों, मुझे क्या पता, माँ ने बोला तो हमें जाना है। जय सोमनाथ जी, गोम्बी देव और मेरी बेटी के एक्स वाई जी पति सिवा। मामी की तो, अरे भाई तुम लोगों को पता चला कि नहीं कि मेरी बेटी रावी के घर आने की खुशी में मैंने है ना एकदम जबरदस्त शाम को ऐसे पार्टी रखी है, और तुम लोगों को सबको आने का है, कान के जो पंड्या परिवार है ने वो स्टार गेस्ट है मेरी पार्टी का, इतने खासम खास मेहमान है। वैसे मैंने सुमन बेन को फोन करके निमंत्रण दिया, पर उन्होंने क्या बोला कि प्रफुल्ला तू खुद जाके मेरे बेटों को निमंत्रण दे के आ। देखो अभी मैं खुद आ गई हूँ तुम लोगों को निमंत्रण देने के लिए, ताकि भाई तुम लोगों को बहाना ना मिले पार्टी में नहीं आने का, है ने? हाँ मामी, माँ ने बताया हम लोग शाम को आ जाएंगे। बराबर छे गंभी है, इसका गेम बजा डालूंगा। एक्स वाई जेड, आना पार्टी में, आना 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 जरूर आना। अभी ये दिन आ गए, सब मामी की पार्टी में जाएंगे। गंभी क्या मामी की पार्टी में जाना जरूरी है? ए शिवा, पहले से बात हो रखी है ना, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुझे चलना पड़ेगा। मूड ही नहीं है यार, क्या जबरदस्ती की पार्टी। चलो, all ready for go? अरे माँ एकदम। जैसा मैंने तुम तीनों को कहा है वैसे ही करना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वोई, वोई एक बार भी नहीं सोचा ना आपने मेरे बारे में? हाँ, पूरी फैमिली को मैं कैसे फेस करूंगी? क्या जरूरत थी आपको ये पार्टी देने की? सोचती क्यों नहीं हो आप कुछ भी? अरे भाई जरूरत कैसे नहीं है, मैं तो ना भगवान से अपने भोगीलाल से प्रार्थना करूंगी कि सारा का सारा पंड्या परिवार है ना वो मेरी पार्टी में आए, और खास करके वो जंगली सिवा, ताकि मैं उसको जला सकूं कि देख देख मेरी बेटी है ना कैसे तुम लोगों को छोड़ के मेरे पास वापिस आ गई है, और जब वो लोग जल जाएंगे ना फिर मैं उनके जले पीने ऐसी नमक छिड़कूंगी नमक। हे रावी, ये भाई तू आ गई, जरा दिखा तो। अरे वाह भाई वाह, क्या मस्त तैयारी करके आई है तू, मस्त लग रही है। एक मिनट कुछ तो रहेगी हो। तैयारी तो मैंने पूरी कर ली है अब से सच जुगलवाने की। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो अमाउंट आप कोट कर रही हैं आप जैसे न्यू ब्रांड के लिए थोड़ा ज्यादा है? बिल्कुल भी नहीं सर, हमारी कंपनी जो स्टोर प्लान कर रही है अहमदाबाद में वो हमारे दूसरे स्टोर से बिल्कुल अलग होगा। ये एक नॉर्मल स्टोर नहीं बल्कि एक सुपर स्टोर होगा, और यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट के कम से कम 10 प्राइस रेंजेस होंगे, जिसकी वजह से हमारे कस्टमर्स को अपने स्टाइल बदलने की जरूरत नहीं है बजट की वजह से। आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट द कस्टमर्स। सॉरी, सो नेक्स्ट स्लाइड। Now we'll talk about the big data.
रियली सॉरी। ये धरा कहाँ रह गई? क्या उसे लगता है उसके लिए पार्टी रखी है? हैं? मेरे से भी ज्यादा वक्त ले रही लाली पाउडर करने में। अरे क्या बात है, मामी के घर जाने के लिए सबके सब कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। सच सच बताना, कोई धमाका करने की खिचड़ी तो नहीं पका रहे हो ना तुम लोग? अरे क्या बात कर रही हो भाभी, खिचड़ी हम क्यों बनाएंगे? अब बिरयानी मंगानी हो या खिचड़ी, वो मामी देखे, पार्टी उसके घर पे, हम तो बस पेट भर के खाना चाहते हैं। क्यों मम्मी? माँ, जो अपने मामी के घर ले जाने के लिए सामान मंगाया था ना, मैं सब ले आया, और जो बाकी के पैसे बचे थे ना, मैंने वो सर्विस चार्ज समझ के रख लिए। माँ ये सब क्या है, मतलब पार्टी में ये सब ले जाने की क्या जरूरत है? तुम लोग कोई तमाशा तो नहीं करने वाले हो ना वहां पर? नहीं नहीं। अरे आप फालतू का बिल्डअप दे रही हो भाभी, हमारी भोली शक्लें देख के लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं। सब जानती हूँ मैं ये तेरी भोली शक्ल कितनी भोली है। चलो ये सब नॉनसेंस बातें बाद में, निकलते पार्टी के लिए। वो बुलडोजर प्रफुल्ला मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी अपना नागिन वाला तन फैलाए। चलो निकलते भाई निकलते। चलो 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 चलो। हे भगवान, ये लोग नहीं आए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूंगी, आसी के खिलाफ सबूत कैसे पेश करूंगी, कोई यहां तक नजर भी नहीं आ रहा। धराधी, धराधी को कॉल करके पूछती हूँ। रावी, हेलो धराधी, आप लोग निकले? खड़ी क्यों हुई है डांस करना? अरे कुछ पल्ले पड़े तो नाचो ना। और एक बात बताओ, ये बैंड वालों को किसने बुलाया? अरे भाभी हमने। आपको क्या लगता है बैंड बाजा बुला के ये छिपकली और उसके परिवार को नाचने का हक है? हम भी नाच सकते हैं, इसके पास कोई सबूत नहीं है। क्या सबूत लेके आएगी? बॉम्बे ये घर में नहीं आने वाली। खुशी मनाओ छिपकली गई। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। देखा, मैंने कहा था ना कि वो लोग जरूर आएंगे। हाँ कहा था जरूर आएंगे, पर ये नहीं बताया था कि बैंड बाजी के साथ आएंगे। इन्हें देख लगकर तेरा बैंड बजाएंगे। मेरा तो पता नहीं अनीता दी, लेकिन अगर आप शिवा के सामने पड़ गई ना तो वो आपका बैंड जरूर बजा देगा। का यकीन हो गया कि ये लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन क्या करने क्या वाले हैं ये लोग आज?
तौबा तेरा जलवा तौबा तेरा प्यार तेरा इमोशनल अत्याचार। मासी है ये पी लो। तौबा तेरा जलवा तौबा तेरा प्यार तेरा इमोशनल अत्याचार। ये क्या है अभी? ये तो खा गया ना, आपका दिमाग ठंडा रहेगा। बहुत जरूरत है मुझको इसकी। है अब इसका असर होते ही मासी का सारा सच बाहर आ जाएगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।